आप लोग आई होप ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे एक नए ब्लॉग में। तो आज मैं अपने गांव में हूँ। मेरे गांव का नाम है उटिड़ा मल्ला, जो कि पौड़ी गढ़वाल के नैनी डांडा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो चलिए दिखाते हैं आप मेरा गांव, मतलब जहाँ पे मेरा जन्म हुआ, जहाँ पे मैंने अपनी लाइफ के 17-18 साल स्पेंड किए हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा कल अपने गांव में आके, मतलब मेरा गांव भी उन गांव में शामिल है जो कि प्लायन की मार झेल रहा है। मतलब काफ़ी प्लायन हो चुका है मेरे गांव से भी, मतलब गांव से क्या, मेरे घर से भी प्लायन हो चुका है। मतलब कभी हम लोग इतने सारे थे, आज यहां पे कोई नहीं है घर पे। मेरे मम्मी पापा आए हुए थे कुछ दिनों से, तो मैंने सोचा नए साल में और क्या किया जाए, तो क्यों ना अपने गाँव चला जाए, थोड़ा अपने पहाड़ की यादें ताज़ा की जाए। तो मतलब यहाँ पे आके काफ़ी यादें ताज़ा हो गई। यहाँ पे मेरे भाई लोग और मैं खेला करते थे, पढ़ाई की हमने यहीं पे, मतलब काफ़ी अच्छा। कल लग रहा था आके कि यार क्या, मतलब क्या था और क्या हो गया इधर। मतलब चलिए मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ इधर क्या है कैसा है, आप लोग भी देखेंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ अपना घर। ये है मेरा घर, मतलब इस घर को मेरे पापा ने बनाया था 94-95 में। तो मतलब तब हमने कभी सोचा नहीं था कि कभी हम इस घर को छोड़ के जाएंगे यहाँ से। तो मतलब आज घर भी काफ़ी मतलब डैमेज हो चुका है, मतलब देख के आज ये लगता है कि क्या हो गया है ये। मतलब तब हमने कितनी मेहनत करी थी इस घर पे और आज यहाँ पे कोई नहीं है, तो मतलब काफ़ी बुरा लगता है। ये है सामने आम का पेड़। हमारे यहाँ पे एक ये है कि मतलब ना ठंड है यहाँ पे ज़्यादा ना गर्मी है ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे सारे फ्रूट्स के पेड़ मिल जाएंगे आपको। जैसे ये है आम का, ये है हमारे यहाँ पे माल्टा बोलते हैं इसे, माल्टे का। यहाँ पे सामने भी माल्टे का पेड़ है। यहाँ पे एक अमरूद का पेड़ हुआ करता था, मतलब मेरी दादी लोग हमें इतना डांटते थे कि तुम दिन भर अमरूद के पेड़ में ही बैठे रहते हो, घर ही नहीं आते थे हम, मतलब दिन में अमरूद के ही पेड़ में बैठा रहते थे। जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ा करते थे, तो तब हमने मतलब 12th पास आउट करने तक भी हमने कभी नहीं सोचा था कि कभी हम पहाड़ों को छोड़ के जाएंगे, मतलब अपने घरों को छोड़ के कभी प्लेन्स में रहने जाएंगे। बट क्या करें, मतलब आजीविका का साधन होता कोई पहाड़ों में, तो शायद कोई भी अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहता। मतलब अपने पहाड़ों की शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, मतलब इतना अच्छा एटमॉस्फेयर छोड़ के शायद कोई नहीं जाना चाहेगा, बट क्या करें। तो मेरे पीछे ये जो घर है, ये है मतलब ये भी हमारा है, आधा घर हमारा है और आधा घर मेरे छोटे दादाजी, मतलब मेरे दादाजी के छोटे भाई थे तो उनका है। तो मतलब इनमें, इसमें जो भी पत्थर लगे हुए हैं, ये आजकल मतलब उस टाइम पे इतनी ताकत हुआ करती थी लोगों में कि उस टाइम पे ये जो पत्थर हुआ करते थे, पता नहीं कितनी कितनी दूर से लाते थे। मतलब ये पत्थर भी ऐसे हर जगह नहीं मिलते थे, किसी स्पेशल गांव में मतलब कहीं पे मिल गए इन, मतलब खोद के, मतलब नीचे खोद के निकालते थे इनको। तो मतलब उस टाइम पर काफ़ी लोगों ने मेहनत भी करी है और आज उनकी मेहनत का ये हाल हो रहा है। तो शायद कहीं ना कहीं अगर वो लोग अभी ज़िंदा रहते, दादा दादी लोग मेरे, तो मतलब उनको काफ़ी दुख होता कि अभी हमारे पहाड़ों को छोड़ दिया है, हमारे घरों में हमने इतनी मेहनत करी थी और आज ये लोग छोड़ के चले गए। तो ऐसा कुछ है मेरा घर, ये देखिए। मतलब हमारे गांव का जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ है हमारा गांव। तो हमारा जो घर है वो थोड़ा गांव से हटके है, अलग है ऊपर, मतलब ये नहीं है कि हमारा ही हमारा है। हमारे इधर मतलब 14-15 फैमिलीज़ का थोड़ा अलग ही है घर, बाकी हमारा गांव नीचे है। तो यहाँ पर जो ये घर है वो हमारा और मेरे छोटे दादाजी और का है। अब चाचा लोग भी मतलब आजीविका की तलाश में अपनी जॉब करने के लिए चले गए घर से, और मेरे ताऊ लोग, मेरे भाई लोग, पापा लोग सभी चले गए थे। तो आजकल मेरे पापा और आए हुए हैं, तो थोड़ा साफ़ सफाई करी हुई है यहाँ पे, अदरवाइज़ तो यहाँ पे इतनी धूल, इतने झाड़ बाड़ सब हो गए थे।
यहाँ पे, हमारे यहाँ पे सारे पेड़ पौधे मिल जाएंगे आपको। ये देखिए, यहाँ भी मेरे गांव के आधे घर यहाँ पे भी हैं। ये देखिए, आपको दिख रहे होंगे आधे, ये पूरा मतलब गांव का ही एरिया है हमारे, और ये गांव हमारा यहाँ पे नीचे है। तो अभी एक्चुअली पेड़ जब से गांव से गए हैं तब से पेड़ ये सारे चीड़ के पेड़ हो गए हैं आगे से, इसलिए ज़्यादा दिखता नहीं है। और उधर हमारा नैनी डांडा ब्लॉक है, तो सारा ऐसा कुछ दिखता है हमारे घर से। ये ऊपर जंगल, ये है हमारी गौशाला। यहाँ पे कभी हमारी भैंस बंधी रहा करती थी, बट ख़त्म हो चुका है सब कुछ। और हमारे यहाँ पे आम के पेड़ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, हमारे घर पे मतलब बहुत सारे लगाए हुए थे हमने, तो अभी इन पे फल आते हैं, बट कोई घर पे है नहीं इसलिए बंदर वगैरह सब वैसे ही खा जाते हैं। एक पेड़ था अखरोट का, मम्मी बता रही थी अब की बार इस पे इतने अखरोट आए थे, बहुत ज़्यादा अखरोट आए थे, बट वही है बंदर बंदर और बंदर। तो मतलब चलो कोई तो खा रहा है, कोई तो खाओ। आज ये रास्ते बंजर हो चुके हैं, लेकिन इन रास्तों पे हमने कम से कम 17 साल चले हैं इन रास्तों पे। आज भी कोई मतलब मेरे को बोल देगा ना आंखें बंद करके चलना है तुझे, तो मैं शायद आंखें बंद करके इन रास्तों पे अपने घर पहुंच सकती हूँ। तो कुछ ऐसा व्यू है मेरे घर के साइड से। ये हमारे यहाँ पे एक दूसरा गांव है, चीड़ के पेड़ बहुत हैं हमारे गांव में, तो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इस गाँव का नाम है दिगोली। और यहाँ से काफ़ी एक्चुअली अभी धुंध लगी हुई है बहुत, सर्दियों का मौसम है तो आजकल धुंध बहुत हो जाती है, तो काफ़ी मतलब हमारे घर से बहुत सारे गांव दिखते हैं बहुत सारे। तो ये है जहाँ देखो चीड़ के पेड़, चीड़ के पेड़। वैसे तो आप शायद गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर कर दिया है कि आप चीड़ के पेड़ों को काट सकते हो, तो क्योंकि जब चीड़ के पत्ते गिरते हैं तो उनमें आग एकदम से बहुत जल्दी आग लग जाती है, तो शायद ऑर्डर ने दे दिया है गवर्नमेंट ने कि आप काट सकते हो अगर चाहो तो चीड़ के पेड़ों को, तो ऐसा कुछ है। व्यू कहीं मतलब फोटो खींचने के लिए जाते हैं हम तो एक अच्छा सा व्यू देखते हैं, लेकिन यहाँ तो चारों तरफ व्यू ही व्यू है, बस फोटो क्लिक करो, फोटो को नहीं व्यू को देख के मजा आ जाएगा। तो काफी अच्छा है यहाँ पे अभी।
गाइस, आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।